चलिए देखिएगा, आज हम लोग देखेंगे इस सवाल को। ये क्वेश्चन है मेरा कि कड़ी में 3 - कड़ी में 2 का होल स्क्वायर, इसको क्या करना है? सरल करना है। सरल क्या चीज होती है भाई? माने इसको आपको जो स्क्वायर है उसको हटा देना है और इसका छोटा रूप तैयार करना है। क्या तैयार करना है? छोटा रूप। तो आप देख रहे होंगे क्या ये सवाल आपको एक फार्मूले पर आधारित है, a - b² इसी पर आधारित है। तो a क्या होता है भाई? a - b² बराबर होता है a² + b² - 2ab, ऐसा ही होता है। तो क्यों ना हम लोग जब इसको ये लिख सकते हैं तो इसको भी इस रूप में कर दें, क्यों भाई? तो आएगा क्या, यहाँ आएगा कड़ी में 3 का स्क्वायर यही प्लस क्या आएगा, कड़ी में 2 का स्क्वायर - 2 कड़ी में 3 और गुणे कड़ी में 2, यही आएगा क्या, क्यों भाई? अच्छा अब बताइए, जब कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि कड़ी, इस कड़ी का मतलब है, किसका मतलब? कड़ी में 3 - कड़ी में 3, जब जोड़ा बन जाता है जिसको कितना लिखते हैं? 3 लिखते हैं। तो 3 + कितना 2 - 2 कड़ी में 3 - 2 और 3 - 2 5 - 2 और इसका पूरा इसमें कर दें, 3 × 2 = 6, कड़ी में कितना? 6, ठीक है नहीं? और यदि इसको चाहे तो 5 में से 2 घटा भी सकते हैं हम लोग, तो ऐसे ही रहने दीजिए, यही आपका आंसर आएगा ना। कितना आएगा? 5 - 2 कड़ी में 6 आएगा। दूसरी चीज आप देखिएगा, ये मेरा अगला सवाल है, इसका प्रमेयीकरण करना है। किसका प्रमेयीकरण करना है? हर का। इसमें दो चीजें हैं, ऊपर क्या है? अंश है, और नीचे क्या है? हर है। तो अंश और हर में किसका प्रमेयीकरण करेंगे? हर का। प्रमेयीकरण क्या चीज होती है? प्रमेयीकरण का मतलब कि नीचे जो कड़ी है इस कड़ी को हटाना, क्या करना? इस कड़ी को हटाना ही क्या कहलाता है? प्रमेयीकरण कहलाता है। अच्छा ऐसी स्थिति में हम लोग करेंगे क्या भाई? ऐसी स्थिति में हम लोग करना ये है कि ऐसी कोई संख्या खोजना है जिससे गुणा करें तो यह कड़ी क्या हो सके? समाप्त हो जाए, ठीक है कि नहीं? बात समझ में आई? तो अब आप बताइएगा, एक कड़ी में 5 - कड़ी में कितना है? 4 है। तो करेंगे क्या, यदि इसमें कड़ी में 5 + कड़ी में 4 का गुणा कर दें तो ये कड़ी आपकी क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। तो अंश और हर में किससे गुणा कर दें? कड़ी में 5 + कड़ी में 4 से। देखिए अंश और हर में कड़ी में 5 + कड़ी में 4 से गुणा करने का, क्या करने पर? गुणा करने पर। अब आप बताइएगा क्या होगा, 1 - कड़ी में 5 - कड़ी में 4 * कड़ी में 5 + कड़ी में 4 क्या होगा भाई? बटे ही ना, कड़ी में 5 + कड़ी में 4, क्यों भाई? यही तो होगा हमारा। अच्छा जब इसका गुणा इसमें करना है, इसका गुणा इसमें करना है, क्या चीज मिलेगी बताइएगा? गुणा सभी लोग करिए और बताइए आपको क्या मिलने वाला है। गुणा करने आता है कि नहीं? नहीं बोल रहे हो? गुणा करने आता है? हाँ? नहीं? चलिए मैं गुणा करने सिखाता हूँ। बताओ एक कड़ी में 5 का गुणा जब कड़ी में 5 में होगा तो कितना आएगा?
इसका पहले गुणा कर लेते हैं तो अच्छा देखिएगा क्या मिलेगा। इसका एक में गुणा करना तो कुछ परिवर्तन नहीं होगा, कड़ी में पांच प्लस कड़ी में चार ही आएगा। आप बताइए कड़ी में पांच और कड़ी में पांच, जैसे मैंने कड़ी में तीन और कड़ी में तीन का गुणा किया तो कितना आया, तीन आया। और जब कड़ी में पांच का गुणा कड़ी में पांच से करेंगे तो कितना आएगा, पांच। और कड़ी में चार का गुणा कड़ी में चार से करेंगे तो माइनस चार, बराबर कितना होगा, कड़ी में पांच प्लस कड़ी में चार बटे कितना, एक। एक का कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसका आंसर यही होगा। समझ बताइए। तो इसका परिमेयीकरण कैसे किया गया, ऐसे ही इसकी संगत संख्या लिख करके गुणा कर देंगे और परिमेयीकरण क्या करेगा, हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे सवाल को लगाइएगा।